श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु। फ्रेंड्स, हमारी ये जो चैनल है शिव एस्ट्रो वास्तु, ये आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे नए नए वास्तु रिलेटेड टिप्स, स्टॉक्स एंड एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, लाल किताब रिलेटेड या कोई भी ऐसे गुड साइंस जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो उससे संदर्भ, कोई भी ऐसे टिप्स हो, टोटके हो, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए हमने ये एक वीडियो बनाई है। और इस चैनल के अंदर आपको हर तरह की वो ऐसी गुड़ विद्याओं से संबंधित ऐसे ऐसे टिप्स एंड टॉक्स प्राप्त होंगे, जिसका यूज़ करके आप कुछ ना कुछ अपनी जीवन में, शारीरिक मानसिक जीवन में आने वाले कोई भी आदि व्याधि उपाधि या कोई भी समस्याओं का हल ले सकते हो। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये टॉपिक है, ये पिछली हमने जो एक वीडियो रिलीज की थी, उस वीडियो के अंदर हमने 9 प्लेनेट से लेके सूर्य यानी सूर्य सन, सन ग्रह, सूर्य ग्रह की, सन प्लेनेट की नकारात्मक असर के निवारण हेतु हम क्या क्या एक ऐसे टोटके कर सकते हैं उसके बारे में हमने आपको दिखाया था, जो समझाया था और उसको हमने पेश भी किया था। जो चीज आपने, आशा करता हूँ वो टॉपिक को आपने थोड़ा ध्यान से समझा होगा। तो आज जो टॉपिक है वो उसी संदर्भ में अंतर्गत एक और विषय लेके हम आए हैं कि अगर आपके वास्तु के अंदर पूर्व दिशा से होने वाले वास्तु दोष से अगर सूर्य ग्रह यानी दूषित होता है, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो आपके मानव जीवन यानी मानव जीवन पे या फिर आपके जीवन पे क्या असर होती है। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है, आशा करता हुआ ये वीडियो संपूर्ण देखना और इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी मैं रेमेडीज भी दूंगा कोई एक वास्तु दोष को लेके, जो रेमेडीज एकदम बिना खर्च की है, जो आप अपने घर के अंदर, अगर आपके घर के अंदर पूर्व दिशा संबंधित कोई दोष है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों को ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो पे इसी तरह के कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पूर्व दिशा। तो वास्तु के अंदर हमने कई बार कहा है कि आपके घर की हमें जो भी मैप हो उसकी हमें ग्रिड बनानी चाहिए, जिससे हमें ग्रिड के हिसाब से हमें एग्जैक्टली ईस्ट जोन और पूर्व दिशा के बारे में समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको एक ग्रिड दिखा रहा हूँ, तो वो ग्रिड आप इधर देख सकते हो कि वास्तु के संदर्भ हम जो आज चर्चा करने चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक मैप है, उस मैप की ये जो है पूर्व दिशा के जोन में एक शौचालय है। तो ये जो शौचालय है, तो ये देखो यहाँ पे हमने पूरा एक पूर्व यानी ईस्ट जोन का एक पूरा एक जोन निकाला है, एक क्षेत्र निकाला है, और वहाँ पे ये शौचालय को हमने दिखाया हुआ है। यानी डिफॉल्ट हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमारे जो वास्तु दोष है ये पूर्व संबंधित है, पूर्व दिशा संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे शौचालय नहीं होना चाहिए। क्योंकि शौचालय क्या है, क्या एक्टिविटी है, डिस्पोजल की एक्टिविटी, और ये जो सूर्य ये पूर्व दिशा है वो हमें संसार के साथ कनेक्ट करती है, सोशल एसोसिएशन यानी हमें संसार के साथ जोड़ती है, जो हमें बिजनेस में, जॉब में और हमारे जीवन में हर तरह के पहलू में कनेक्टिविटी अगर हमारे संसार के साथ नहीं होगी तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये एक अलग बात है कि अगर इंसान में, इंसान के जीवन में कोई भी समस्या हो तो एक पूर्व दिशा के शौचालय से ही नहीं आ सकती, वो और भी बहुत फैक्टर है कि उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है। पर आज हम यहाँ पे सूर्य ग्रह की जो प्लेनेट की बात करेंगे, अगर देखिए, अगर आपके वास्तु के अंदर आपकी कुंडली की हम बात करेंगे तो उसके अंदर अगर आपका सूर्य दूषित है तो उसका ये भी देखा जाता है कि उसका रीज़न क्या है। तो कई बार क्या होता है कि हमें जो मकान मिलता है तो वो 100% सूर्य दूषित मकान मिलेगा। यानी एस्ट्रो वास्तु के अंदर ये ही एक खास बात है, हमारे घर के, हमारी कुंडली के अंदर पूर्व दिशा में कोई सूर्य ग्रह में कोई डिस्टर्बेंस है, उसकी नेगेटिविटी है, वो दूषित हो चुका है, वो नकारात्मक हो चुका है, तो हमें जो घर भी मिलेगा ना वो घर भी पूर्व यानी वास्तु के अंदर, ईस्ट जोन के अंदर जो पूर्व दिशा है यानी पूर्व दिशा है उसमें कोई ना कोई भी प्रकार का वास्तु दोष मिलेगा। अगर वो चीज़ आपको प्राप्त होती है और वहाँ पे एस्ट्रो वास्तु के साथ आपका घर का जो वास्तु की जो कहते हैं ना वो समस्या दोनों मैच होगी तो आपको 100% नेगेटिव इफेक्ट आएगी। कभी क्या होगा, घर के अंदर अगर आपके वास्तु में पूर्व दिशा में दोष है, यानी पूर्व दिशा को दोष में बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूर्व दिशा के अंदर ही सूर्य ग्रह का स्थान है एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत। तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अगर पूर्व ग्रह
पूर्व दिशा में सूर्य ग्रह का स्थान है और वहाँ पे कोई शौच है, शौचालय है, तो वो आपका ग्रह भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इससे आपके जीवन में क्या समस्या आएगी कि आपके जीवन में बिना बात आपको कहते हैं मान सम्मान गंवाना पड़ेगा, आपकी क्रेडिट लॉस होगी, यानी आपकी इज्जत के ऊपर दाग लगने की संभावना आ जाएंगे कि आपके घर के कोई भी इंसान या आपके थ्रू या किसी और के थ्रू आपकी वजह से या और किसी की वजह से आपकी बदनामी सहन करने की यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएगी। आप कहीं किसी की कहते हैं ना कि किसी की हमने जमानत ले रखी है तो वो कोई आदमी ऐसा कुछ काम कर लेगा कि आपकी जमानत के वजह से आपका नाम डूब जाएगा, या आपके घर के अंदर आपके संतान है, आपके भाई है, आपकी सिस्टर है, ऐसा कोई कृत्य कर बैठेंगे कि संसार के अंदर आपको नीचा दिखना पड़ेगा। और दूसरा कि आपकी पहचान में कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाएगी, आपका जो बिजनेस है या आपकी जॉब है जहाँ पे आपको एक ओपन मार्केट चाहिए, लोग आपको पहचाने, आपको पहचानेंगे तो आपके प्रोडक्ट को पहचानेंगे, आपकी नेम फेम बढ़ेगी, आपकी यश कीर्ति जस मिलेगा, वो सब चीज आपके जीवन में से चली जाएगी एक खाली सूर्य दूषित होने के वजह से, चाहे वो वास्तु में हो, पूर्व दिशा में हो या आपके खुद की कुंडली में हो, यानी एस्ट्रो वास्तु में हो। तो फ्रेंड्स, तो मैं यही दिखाना चाहता हूं सूर्य ग्रह अगर दूषित होगा तो उसको जो इफेक्ट है, एक दूसरी इफेक्ट की हम बात करेंगे तो आपको कभी मान सम्मान यानी जस कीर्ति भी नहीं मिल सकती। वो कैसे कि लोग आपका ही टू व्हीलर यूज करेंगे, आपका ही पेट्रोल यूज करेंगे, पर वो आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे यानी क्रेडिट नहीं देंगे। इसी तरह आप जॉब के अंदर कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लोगे पर जो क्रेडिट मिलनी चाहिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए, वो आपको कलिंग को मिलेगा पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सूर्य दूषित है। तो यहाँ पे आपके घर के अंदर पूर्व दिशा में कुछ ना कुछ भी वास्तु दोष है तो देखो आपको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी हम हेल्थ की बात करेंगे तो आपको हृदय संबंधित कोई भी ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, हमेशा आपको हृदय से संदर्भ यानी हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं, आपको आंख की प्रॉब्लम आ सकती है, नाक की प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको हेल्थ वाइज कोई भी प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। एक आपकी कुंडली के अंदर अगर सूर्य दूषित है या फिर आपके वास्तु के अंदर पूर्व दिशा में कोई प्रॉब्लम है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी को एस्ट्रो वास्तु कहते हैं कि भाई हमारे जो कुंडली के ग्रह है और उसी तरह हमें जो मकान मिल रहा है और वो ग्रह यानी वो दिशा दूषित है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आज हम टॉपिक ले रहे हैं शौचालय से लेके पूर्व दिशा दूषित हो और उसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी हम बात करेंगे तो आपको सरकारी जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। आप कहीं ना कहीं सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारियां कर रहे होंगे, आप कर रहे हो या आपके ब्रदर कर रहे हैं या आपके फादर कर रहे हैं या आपके सिस्टर कर रहे हैं या आपके सन कर रहे हैं। जीवन में कोई भी बंदा अगर सरकारी जॉब के लिए कुछ ना कुछ तैयारियां कर रहे तो वहाँ पे बाधाएं और रुकावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी सूर्य कनेक्टिविटी लॉस हो गई है। इसी तरह अगर आप किसी पॉलिटिक्स में हो, कोई आपका राजनीतिक कैरियर है तो वहाँ पे भी आपको प्रोग्रेस नहीं आएगी, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और आगे हम बात करेंगे तो आपकी पढ़ाई में भी अचानक कोई रुकावट आ जाएगी। आप पढ़ने का मन करोगे, आपके पास संजोग भी पढ़ने के लिए पेमेंट भी पड़ा हुआ है, पर आप कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, एकाग्रता चली जाएगी और आपको पढ़ने में मन नहीं करेगा। इसलिए पूर्व को कहते हैं ज्ञान के राजा। अगर पूर्व दिशा डिस्टर्ब है क्योंकि वहाँ पे सूर्य ग्रह है, अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स आई तो ये आपको सामना करना पड़ेगा। इसी तरह आपकी कुंडली में भी मैं बार बार कह रहा हूँ, पूर्व संबंधित यानी सूर्य संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो वो आपको ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली फेस करनी पड़ेगी। अब इसके कौन से ऐसे छोटे छोटे निवारण हैं, तो सबसे पहले आप सूर्य नारायण को जल अध्याय कीजिए, जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना है, अगर आपको नौकरी के लिए समस्या आ रही है, इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहे, आपका आत्मविश्वास में कहते हैं बढ़ोतरी नहीं है, लूज है, आप छोटी छोटी बातों में एकदम वो मन चले हो जाते हो, एकदम बात आपके कोई ठिकाना नहीं रहता, डर जाते हो, आपको समस्या बहुत फेस करनी पड़ती है, आपका राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट बहुत लूज हो चुके हैं, वहाँ से आपको कोई परेशानी आ रही है, सरकारी जॉब में कोई प्रॉब्लम्स है, हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य नारायण देव को पानी चढ़ाइए, उसके अंदर और शक्कर डालिए, चावल डालिए, कंकू डालिए, बहुत कुछ ऐसे द्रव्य है जो आपको कहीं ना कहीं YouTube से या मुझसे भी आप फोन करके प्राप्त कर सकते हो कि हम क्या क्या करें सूर्य नारायण की पूजा के लिए। आज हमारी जो यहाँ पे मेन टॉपिक है
अगर शौचालय है तो उसको कितना हम इमीडिएटली बिना तोड़फोड़ टेस्ट रेमेडी करें। अगर शौचालय है, रेंटेड का मकान है, तो आप तोड़ भी नहीं सकते हो और मकान चेंज भी नहीं सकते हो, और आपके पास इतनी पेमेंट नहीं है, बजट नहीं है कि आप वहाँ पे कोई हैवी वास्तु ट्रीटमेंट करवा सको। तो मैं आज आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ, बहुत ही ईजी ट्रीटमेंट है। यहाँ पे आपको कम से कम बहुत ही कम पैसे में काम हो जाएगा। खाली आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपके पूर्व जो ईस्ट जोन के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर जो शौचालय है, उस शौचालय को आपको ग्रीन कलर की पट्टी से, यहाँ पे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ग्रीन कलर की टेप, यानी ग्रीन कलर की एक टेप मार्केट से लेके आओ। जो टेप आपको मिलनी चाहिए वॉशेबल, क्योंकि हमें पानी के अंदर इसका उपाय करना है, यूज करनी है, तो वहाँ पे आपको कोई भी उखड़ नहीं जाए, या फिर वो पानी की वजह से वहाँ से वो निकल नहीं जाए, या फिर वो ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरह से आपको वहाँ पे ग्रीन कलर की एक ब्लॉकेज टेप लगानी है, इस तरह सोच को ब्लॉक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो एक आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये एक शौचालय है जिसको हमने इस तरह से ट्रीट किया हुआ है, तो ये ग्रीन कलर की वॉशेबल टेप ले रखी है और उसको हमने यहाँ से शौचालय को ब्लॉक किया है, और ये जो पॉइंट है, जो टेप का दूसरा छोर, उसको थोड़ा स्कटिंग पे भी चढ़ाया हुआ है। ये रीजन क्या है ये करने का, कि ये चीज आपको कहीं से भी कहीं नेगेटिविटी लीक नहीं होने देगी, जिससे ये पूर्व दिशा संबंधित, सूर्य ग्रह संबंधित जो दूषित जोन हो चुका है, दूषित अवस्था आ चुकी है, उसका दोष निवारण हो जाए। और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक 0 वोल्ट का बल्ब भी लगाना है शौचालय के अंदर, जिससे यहाँ की प्रॉब्लम का समाधान आ जाएगा। इस तरह से आप अपने शौचालय की पूर्व दिशा के जोन में जो शौचालय बन चुकी है, उस शौचालय का तोड़फोड़ बिना ट्रीटमेंट कर सकते हो। बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, एक 0 वोल्ट का बल्ब लाना है या 3 वोल्ट का बल्ब लाना है, वो लगाना है ग्रीन कलर का, और मार्केट से ये टेप लाके इस तरह से शौचालय के अगल बगल लगा देनी है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे। एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये मेरी पिक के अंदर ये देख लीजिए। ये उपाय करने से आपको स्टडी के अंदर, आपको व्यवसाय में, आपको हेल्थ के अंदर, आपको पैसों के अंदर, आपको घर की सुख शांति में, हर तरह की आपको फायदा दिखेगा। वहाँ पे आपको शांति मिलेगी, घर में समृद्धि बढ़ेगी, धन वृद्धि होगी, और जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएंगे। साथ ही साथ आप गायत्री मंत्र के जाप भी कीजिए। फिर बहुत सारे ऐसे श्लोक आते हैं, स्तोत्र आते हैं, वो आप पूजन पाठ में लीजिए, और सूर्य नारायण संबंधित व गाय की सेवा कीजिए, जो पिछली वीडियो में दिखाई है। तो ऐसे बहुत सारे टोटके हैं। आप रविवार दिन के गरीब व्यक्ति को सफ़ेद कलर की चीज़ें का दान कीजिए, यानी खाद्य पदार्थ दीजिए, उनको कोई मिठाई का भोग दीजिए। ऐसे बहुत सारे टोटके हैं जो मेरे इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, आपकी समस्याओं के साथ जुड़े हुए। आज हमारी शौचालय की समस्या थी, तो शौचालय संबंधित मैंने आपको ट्रीटमेंट दिखाई। कल उठ के हमारी जो वीडियो आने वाली है, वो आपकी स्टोर रूम की आ सकती है, अंडरग्राउंड सेफ्टी टैंक की आ सकती है, स्टेयर केस की आ सकती है, कि जिसकी वजह से हमारे पूर्व दिशा बिगड़ी हुई है और हमारे कुंडली के अंदर उसका दोष लगा हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आ रही या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कीजिए, और आपको ऐसी और वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारी एक दूसरी भी यूट्यूब चैनल है, शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पर भी आपको वास्तु संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इस चैनल पर आपको एस्ट्रो वास्तु संबंधित जानकारी मिलेगी, और शिव वास्तु एनालिसिस पर आपको वास्तु संबंधित जानकारी मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।